पूछा गया है कि जो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं यानी जो कि जीन लाइन डिजीज़ेस होते हैं उन जीन लाइन डिजीजेस को अगर देखें तो वहां पे दो टाइप के वेरिएशंस पाए जाते हैं जिसमें से एक होता है मेंडेलियन और दूसरा होता है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर तो दोनों कैसे डिफर करते हैं तो अगर हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर का बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहता है वो नंबर ऑफ क्रोमोजोम चेंज नहीं होता है बल्कि ये नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम रहता है लेकिन उसके पोजीशन में ऑल्टरेशन पाए जाते हैं ऑल्टरेशन इन पोजीशन, और ये पोजीशन के ऑल्टरेशन ही यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर जिसको कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है उसके नाम से हम लोग कंसिडर करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कह सकते हैं जो सिकल सेल एनीमिया होता है सेल एनीमिया को अगर देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम चेंज नहीं होते हैं लेकिन क्या होता है कि जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो चेंज होकर यहाँ पे वेलिन प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से शेप ऑफ द ब्लड रेड ब्लड सेल्स चेंज हो जाते हैं लेकिन वहीं पे जब हम लोग कंसिडर करते हैं जो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर होता है तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जो पर्टिकुलरली दिखाई देता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ये नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं नीचे ये क्रोमोसोम नंबर्स एकदम से चेंज हो जाते हैं वो दो टाइप से चेंज होते हैं एक जो कि इंक्रीज भी होता है इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर या फिर दूसरा होता है जिसमें लॉस ऑफ क्रोमोसोम नंबर भी दिखाई देता है तो ऐसे डिसऑर्डर्स को हम लोग क्या कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो कि मैंटेलियन से अलग होता है तो अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है अकॉर्डिंग टू क्रोमोजोमल डिसऑर्डर तो फर्स्ट है यहाँ पे जो कि सिकल सेल एनीमिया बोला है और सिकल सेल एनीमिया हम लोग अभी अभी डिस्कस किए हैं कि ये वन काइंड ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर है तो हम लोग यहाँ पे मेंडेलियन लिख लेंगे वही नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम एक ऐसा डिजीज है जहां पे क्या होता है कि ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोजोम नंबर ट्वेंटी वन दिखाई देता है जहां पे एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोजोम ट्वेंटी वन जुड़ जाता है जिसकी वजह से तीन ट्वेंटी वन क्रोमोजोम दिखाई देने लगते और यही एक क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो जा रहे हैं और यहाँ पे इंक्रीज इन क्रोमोजोम नंबर दिखाई दे रहा है तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन वहीं पे अगर कलर ब्लाइंडनेस का बात करें तो ये है मैं डिसऑर्डर जो कि हम कह सकते हैं कि एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है एक्स जीन uh, में होता है और वहीं थैलासेमिया भी एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है जो कि की डिसऑर्डर हिसाब से कंसीडर होता है क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है इंस्टेड इन लोग के क्रोमोजोम में कुछ साइड uh, इफेक्ट या फिर डिफरेंसेस दिखाई देते हैं तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम और उसी को हम टिक कर लेंगे क्लास सिक्स से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटा या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर